स्वागत है आपका एबीएसपी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स से रिलेटेड अमेंडमेंट के बारे में। जी हाँ, 21 अक्टूबर 2019 को दो अमेंडमेंट आए हैं और दोनों अमेंडमेंट जो है सेक्शन 10 से रिलेटेड है। सेक्शन 10 यानी एग्जेम्प्टेड इनकम, वो इनकम जो आपके टोटल इनकम जब आप कंप्यूट करते हैं तो उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। सेक्शन 10 क्लॉज 23EE यानी कि कोर सेटलमेंट गारंटीड फंड से रिलेटेड पहला अमेंडमेंट है, और दूसरा अमेंडमेंट है सेक्शन 10 क्लॉज 47 दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड से रिलेटेड। तो अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। वो नोटिफिकेशन भी मैं दिखाऊंगा जिस नोटिफिकेशन के द्वारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ फंड को नोटिफाई किया है, और ये कब से एप्लीकेबल है वो भी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले अपने देखते हैं सेक्शन 10 एग्जैक्टली कहता क्या है। इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर ऑफ एनी पर्सन, एनी इनकम फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेस शैल नॉट बी इंक्लूडेड। यानी जब आप टोटल इनकम अपना कंप्यूट कीजिएगा प्रीवियस ईयर का, तो कुछ ऐसे स्पेसिफाइड इनकम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, वो इनकम आपके टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, राइट? सबसे पहला जो बात आज करेंगे सेक्शन 10 क्लॉज 23EE, यहां पे जो बात कहा गया है एनी स्पेसिफाइड इनकम ऑफ सच कोर सेटलमेंट गारंटीड फंड सेटअप बाय अ रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस एज सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। यानी कुछ ऐसे कोर सेटलमेंट गारंटीड फंड है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के द्वारा बताएगी कि अगर ये फंड का इनकम जो है आप जनरेट करते हैं, ये फंड से आपका इनकम आता है, तो वो इनकम जो है आपके टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो कल यानी कि 21 अक्टूबर को मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नोटिफाई किया गया है इसके पर्पज के लिए फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20 एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स। नोटिफिकेशन नंबर 3770 डेटेड 21 अक्टूबर 2019। तो ये क्लियर हो गया। चलिए इस नोटिफिकेशन को एक बार मैं आपको दिखाता हूं। याद रखिए मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नोटिफाई किया गया है। ये रहा आपका ऑफिशियल गैजेट का नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि आपका मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई को नोटिफाई कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 10 क्लॉज 23EE। देखिए ये 21 अक्टूबर 2019 का नोटिफिकेशन है, राइट? और ये एप्लीकेबल कब से है? फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। यानी अगर आपका प्रीवियस ईयर 2018-19 यानी कि अप्रैल 2018 के बाद से अगर आपका कोई भी इनकम मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा कोर सेटलमेंट गारंटीड फंड्स के थ्रू आपका आता है, तो वो इनकम जो है आपके टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया? ये याद रखिएगा, मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई, राइट? अब आते हैं जो सेकंड अमेंडमेंट आया है वो क्या आया है वो देखते हैं। सेकंड अमेंडमेंट है आपका रिलेटेड टू सेक्शन 10 क्लॉज 47। यहां पे बताया गया है क्लॉज 47 में क्या लिखा गया है, एनी इनकम ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड सेटअप इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस as may be prescribed which is notified by the central government in the official gazette for the purpose of this clause। yani infrastructure debt fund se agar koi bhi income aata hai wo infrastructure debt fund jo ki central government ke dwara notify ki gayi ho to 21 october 2019 ko central government ne idfc infrastructure finance limited jo ki ye pan number hai yahan pe diya gaya hai notify kar di hai for the assessment year 2020-21 and subsequent assessment years while notification 3771 dated 21 October 2019। yani koi bhi agar aap
आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड से आपका कोई भी इनकम आता है तो वो आपके टोटल इनकम में क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा। चलिए नोटिफिकेशन भी एक बार देख लेते हैं। ये रहा आपका ऑफिशियल गैजेट में जो नोटिफाई किया गया है, पब्लिश किया गया है, वो ये रहा। क्या यहां पे लिखा गया है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कंफर्ड बाय क्लॉज 47 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय नोटिफाइज द इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड, नेमली क्या नाम है, आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड पैन नंबर फॉर द पर्पस ऑफ द सेड क्लॉज, सेड क्लॉज दैट मीन्स सेक्शन 10 क्लॉज 47 फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। दो कंडीशंस हैं, क्या कंडीशन है, वो डेब्ट फंड के ऊपर कंडीशन है, आपके ऊपर नहीं है। कंडीशन ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड जो है उसको रूल्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है, और जो कंडीशंस प्रोवाइड किया गया है आरबीआई के द्वारा वो भी क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइल करना पड़ेगा रिटर्न ऑफ इनकम जो कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 4C ऑफ द इनकम टैक्स एंड 1961 एज अमेंडेड बाय द एक्ट 2019 ऑन और बिफोर ड्यू डेट जो है वो आपको रिटर्न फाइल करना है। तो ये दो अमेंडमेंट थे, ठीक है। पहला अमेंडमेंट जो है सेक्शन 10 क्लॉज 23EE और सेक्शन 10 क्लॉज 47, यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा कोर सेटलमेंट फंड गारंटीड फंड से अगर आपका इनकम आता है तो वो टोटल इनकम में काउंट नहीं होगा, एग्जेम्प्टेड इनकम है। और आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड है उससे अगर आपका इनकम आता है तो वो भी क्या होता है, एग्जेम्प्ट माना जाएगा सेक्शन 10 क्लॉज 47 में, जो कि नोटिफाई कर दिया गया आपका 21st अक्टूबर 2019 को। और ये किस असेसमेंट ईयर से है, तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 और आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर्स। तो ये आज का जो अमेंडमेंट है, दो अमेंडमेंट था। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इसी प्रकार का अपडेट आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार का अपडेट जो है आपको रेगुलरली मिलता रहे फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको अमेंडमेंट चाहिए कॉरपोरेट लॉ, अगर आपको अमेंडमेंट चाहिए जीएसटी लॉ या फिर इनकम टैक्स लॉ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सीए सीएस या सीएमए के स्टूडेंट हैं या फिर आप ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या कॉस्ट अकाउंटेंट हैं या फिर कंपनी सेक्रेटरी हैं, तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो बहुत सारे यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको रेगुलरली मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।